हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित पैडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन सेशन है सीटेट परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जैसे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? ये क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है। पूछा गया है कि प्राथमिक लेवल पर हम गणित पढ़ाते हैं तो शिक्षार्थियों के लिए कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव में ही आंसर देना, बाकी पॉजिटिव में तीन ऑप्शन होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। सेकेंड है, ऐसे कार्यों की कल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। थर्ड है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। फोर्थ है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें से एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें। तो देखो, ये भी हमारा पॉजिटिव में जा रहा है कि एक से अधिक उत्तरों की बात की जा रही है, त्रुटियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, तो ये भी क्या हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और सेकेंड वाला भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि रटने की तरफ से उठाया जा रहा है इसे, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है हमारा, वो जा रहा है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे रटन पढ़ना की तरफ, सॉरी, हमारा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जो कि ये नहीं होगी प्रभावपूर्ण। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ये भी क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया, विशेषता नहीं है अध्यापन के लिए। तो फर्स्ट होगा, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। सेकेंड है, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अध्यापकों का प्रयोग। थर्ड है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। फोर्थ है, बच्चों की त्रुटियों के प्रतिरूपक केंद्रित करना। देखो, त्रुटियों के बारे में जानना भी क्या पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। निजी अनुभवों के साथ में या प्रतिदिन के अनुभव के साथ में, ये भी आंसर क्या पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। संकल्पना की बात करें तो ये भी हमारा पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। कि क्वेश्चन जब नेगेटिव में पूछा तो नेगेटिव में हमें आंसर देना होगा। तो ये कौन सा होगा? ये वाला, कि कठोरता से पालन करना, ये हमें नहीं कार्य करना है। ठीक है, तो यही हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। इतनी मेहनत करने के बाद लाइक तो बनता है। कक्षा थर्ड में चतुर्थांश 1/4 का संकल्पना समझने के लिए अध्यापक को कौन सा उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? चतुर्थांश के प्रत्येक को श्याम पट्ट पर लिखना। बी है, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश से में बांटना। सी है, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो उसमें से कौन सा उचित होगा ए बी सी में से? जैसा वेस्ट आंसर होगा हमारा, पहले क्या करेगा, पहले हम बी में करेंगे, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटेंगे, कोई ठोस वस्तु लेंगे उसे बांटकर दिखाएंगे बच्चों को बोर्ड के अकॉर्डिंग। फिर सी वाला कार्य करेंगे कि उसे प्रदर्शित दिखाएंगे बच्चों को, चित्र बनाकर दिखाना। फिर सी का काम करेंगे, फिर करेंगे ए वाला कि श्याम पट पर लिखना, फिर श्याम पट पर उसे लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? आप एक समावेशी कक्षा के में पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो आपकी कक्षा में कुछ बच्चे दृष्टिबाधित हैं, मतलब वो आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो वो आपको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। सेकेंड है, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठाकर। थर्ड है, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। फोर्थ है, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। तो बात हम समावेशी कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो विशेष शिक्षा की तो यहाँ पे बात होगी नहीं, तो हम ये वाला ऑप्शन तुम्हारा फॉलो नहीं करता। अतिरिक्त अभ्यास उन्हें देंगे नहीं, क्योंकि वो क्या है, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो इसलिए हमें अतिरिक्त अभ्यास देने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारा जो और क्या, उन्हें प्रभावशाली बच्चों के साथ बिठाना, ये भी हमारा कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि अधिगम के वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे हम, जिससे उन बच्चों को पढ़ने में या सीखने में सहायता हो। तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे जो कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी काम आए, यही समावेशी कक्षा का उद्देश्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। कक्षा थर्ड के छात्र ने 16x25 का गुणा इस प्रकार किया। 16x25 = 8 × 2 × 5 × 5, इस प्रकार से क्वेश्चन किया है, इज इक्वल टू
फिर दिया उसमें इज इक्वल टू 8 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400। इस प्रकार से कक्षा थर्ड के बच्चे ने इंटू किया है, तो उसमें देखते हैं आगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि छात्र ने जो गुणा किया है किस प्रकार के नियम का प्रयोग कर रहा है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये जो प्रयोग कर रहा है वो सहचार पद सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? गणितीय प्रक्रम नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से। फर्स्ट ऑप्शन है आकलन करना, सेकंड है पक्षांतर करना, थर्ड है मानस दर्शन, फोर्थ है कंठस्थ करना। तो जो नहीं होगा वो क्या होगा? कंठस्थ करना। गणित में कुछ कभी भी चीजें रटवाई नहीं जाती हैं, समझना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? ये भी क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव में पूछा है, तो हमें नेगेटिव मीन से आंसर देना होगा। प्रारंभिक संख्या संख्या जो संकल्पना नहीं है, जिससे संबंधित नहीं है, तो फर्स्ट है मापन, सेकंड है वर्गीकरण, थर्ड है वर्ग समावेश, फोर्थ है संरक्षण। तो जो नहीं है वो हमारा कौन सा है, फोर्थ वाला। संरक्षण क्या है, एक हम किसी को सुरक्षा की तरफ ले जाते हैं, जो कि जो इसमें से नहीं होगा संकल्पना की तरफ से। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहे साथ ही साथ में। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो संख्यांक और संख्याओं के बारे में बोला गया है, दोनों ये कथन दिए गए, तो कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि क्या है, ए क्या हमारा शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे संख्यांक क्या एक प्रतीक होता है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है, और बी जो बोला है एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये क्या है हमारा अशुद्ध है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, इज द बेस्ट। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त हो सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग पर निम्नलिखित शब्दांक समस्याओं को पढ़िए। कुछ समस्या दी गई, उन्हें पढ़ना है। जैसे कि ए दिया, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? एक तो ये समस्या दी है। बी है, एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई है, नई कीमत क्या है? इस प्रकार की समस्या दी है। तो ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथन देखते हैं। फिर फर्स्ट है दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं, सेकंड है ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है, और बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, थर्ड है बी ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी योग की संरचना संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, फोर्थ है दोनों ही योग की समुच्चय संरचना का प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा जो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। क्यों हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि जो यहां पर जो पहले में बोल रहा है टोकरी में 15 संतरे हैं और 17 डाल दिए गए, तो ये एक समुच्चय बना रहा है, मिलकर कितने क्या संतरे हो गए, तो क्या है समुच्चय बन रहा है। ठीक है, और यहां पर जो बी वाले में बोल रहा है कि 9,950 रुपये मोबाइल की कीमत थी और उसमें 375 रुपये वृद्धि हो गई है, तो नई कीमत क्या, ये हमारा क्या कर रहा है टोटल कर रहा है, योग कर रहा है, तो ये बी क्या गया इसे फॉलो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही है टेक्निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। प्याजे ने एक प्रस्तावित पास किया माप के बारे में, तो शैक्षिक विभिन्न शैक्षिक भौतिक राशियों के बारे में, तो उसे हमें पहचानना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, सेकंड है बाहर के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है,
थर्ड है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। फोर्थ है भार के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है। तो ये दिया गया, तो प्याज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, प्याज के अकॉर्डिंग हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि पहले भार के संरक्षण की समझ फिर आयतन के संरक्षण की समझ से पहले आती है। जो भार होता है वो पहले आयतन से पहले हमें पता चल जाता है, ये प्याजी जी कह रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा फोर्थ के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, कौन से कार्य देता है देखते हैं। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करें, 25 टाइल दिए और आयताकार व्यू में व्यवस्थित करवाया जा रहा है। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है, क्वेश्चन बोला है अगर ये कार्य बच्चे कर रहे हैं तो कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है क्षेत्रफल आयतन लंबाई, सेकंड है आयतन क्षेत्रफल लंबाई, थर्ड है क्षेत्रफल गुणनफल सॉरी गुणनखंड परिमाप, फोर्थ है क्षेत्रफल परिमाप आयतन। तो जब बच्चे टाइल बिछा रहे हैं तो बच्चे क्या करें, टाइल बिछाएंगे तो क्या होगा, पहले बच्चा क्षेत्रफल देखेगा, क्या देखेगा पहले बच्चा क्षेत्रफल देखेगा और फिर क्या करेगा बच्चा गुणनफल होगा, फिर उससे बच्चा परिमाप करेगा। तो इससे हमारी जो गणितीय संकल्पना होगी वो थर्ड हो जाएगी और यही हमारा संबोधित कर रही है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, कौन सा समुच्चय जो प्रश्न का हल कर सकता है जो कौशल होगा। फर्स्ट है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। सेकंड है प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। थर्ड है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। फोर्थ है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। तो देखो यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हम जो कीवर्ड की बात करते चले हैं कंठस्थ करना, हमने कंठस्थ करने के बारे में बात की होगी तो वो नेगेटिव की तरफ ले आता हमें, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कंठस्थ नहीं करते गणित में, हमेशा हम समझते हैं चीज़ों को, समझना पड़ता है परिकल्पना को, तब जाके गणित समझ में आता है। कंठ याद करने से रटंत करने से कुछ नहीं आता, तो कंठस्थ करना हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में बोल रहा है यहाँ पर भी प्रयत्न कर रहा है, विधि का चित्रांकन कर रहा है, मगर यहाँ पर भी कंठस्थ कर रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी रटंत प्रणाली की तरफ जा रहा है। और तीसरे में भी तो बिल्कुल साफ देगा रट लेना, तो रट लेना कंटेस्ट करना हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, जहाँ पे हम सेंटेंस मिल जाए ये हमारे आंसर नहीं होते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। हमारा सबसे बेहतरीन और बेस्ट आंसर होगा फोर्थ वाला, पहले विवेचन करेंगे फिर चर का प्रयोग करेंगे फिर प्रतिरूप देखना करेंगे, तो यही हमारा सबसे बेहतरीन कौशल होगा क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, वॉन हेले का जो स्तर है किस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं। फर्स्ट है भिन्न, सेकंड है संख्या की संकल्पना, थर्ड है स्थानीय मान, फोर्थ है ज्यामिति चिंतन। तो जो वॉन हेले करते हैं वह ज्यामिति चिंतन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। जो वॉन हेले का जो सिद्धांत है जो विकास जो अवस्थाओं का संकेत है वो ज्यामिति चिंतन की तरफ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट है छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। सेकंड है बच्चों को प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। थर्ड है कार्य विधेयक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। फोर्थ है गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो फोर्थ में बोला कठोरता देना है तो नेगेटिव दर्शा रहा है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि गणित छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करना चाहिए, हमें गणित के लिए तैयार नहीं करना बच्चों को, क्योंकि गणित क्या है बच्चों के लिए है ना कि बच्चे गणित के लिए हैं, तो ये हमारा ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो हमारा फोर्थ और फर्स्ट जाता है तो आंसर हमारा थर्ड और सेकंड में। दूसरा कार्य विधेयक ज्ञान पर, हमें ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारा ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ये रटन की तरफ जा रहा है। तो हमारा जो NCF 2005 कहता है वो कहता है कि हमें बच्चों को गणित सिखाना है, किस प्रकार से गणित सिखाना है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, यही हमारा बेस्ट कैलकुलम होगा। तो NCF यही कहता है, इज द बेस्ट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। तो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखते हैं, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू
0.2 इजिकल टू 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम उचित अधिगम साधन उचित है, तो शिक्षण कौन सा होगा उचित होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है और ये संकल्पना में दे दी गई है। तो ग्राफ पेपर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है डाइनिस बॉक्स, थर्ड है टेलर का गिनतारा, फोर्थ है संख्या चार्ट। तो इस प्रकार की चीजों को समझने के लिए हमें सबसे जो बेस्ट होगा वो होगा ग्राफ पेपर, क्योंकि ग्राफ में क्या छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो पॉइंटों में क्या वो लाइनों को मान लेंगे और उसका इंटू करेंगे तो आराम से संकल्पना को समझ सकेंगे। तो सबसे शिक्षण अधिगम उचित जो साधन होगा वो ग्राफ पेपर होगा, इज द बेस्ट होगा। तो यहीं पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।